लेकिन मेरी मम्मी आई थी पंचायत लेकर, लेकिन फिर इसकी माँ ने बोल दिया था तने जाना नहीं है। अच्छा। नहीं मारी भी बेइज्जती होगी कि भैया आए गिर बैजगी। लेकिन मैंने अपनी मम्मी के उस टाइम में मैं अपने घर के आगे जमा खिलाफ थी सख्त, मखा मैंने रहना तो आड़ा रहना। मेरी मम्मी ने बोला भी था भाई तेरी दूसरी शादी कर देंगे, लेकिन मैंने मेरी मम्मी ने बोल दिया था मैंने रहना है तो इसके साथ रहना, नहीं किसी के साथ नहीं रहना। जब सारे काम हुए थे, 5 साल हमारा रिलेशनशिप चल रहा है सारे ढाल का, 5 साल तक रिलेशनशिप में रही थी। हाँ भाई, उसके बाद 6 साल में हमने मैरिड करी है, आज मेरी मैरिड ने 4 साल हो गए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई फिलहाल विधानसभा क्षेत्र जो सफेदो यानी कि जींद जिले का जो गांव आट है, यहां पर हमारी टीम पहुंची। इससे पहले की जो वीडियो भी आपने देखी थी, आपके साथियों के कमेंट आए थे लगातार सरिता को लेकर के, इनकी जो समस्या है भाई, इनकी सासू के साथ जो लड़ाई झगड़ा, यानी कि इनकी सासू की वजह से ये परेशान होने लग रही है। लगातार जो फ़ोन आने लग रहे थे इस बहन के कि भाई ऐसे ऐसे बात और लगातार मैं परेशान होने लग रही हूँ, तो वो वीडियो भी आपने देखी थी। और फिलहाल इनके जो पति हैं पवन और सरिता दोनों एक साथ मौजूद हैं। भाई पहली वीडियो में भी इन्होंने कहा था कि मेरे पति से मैंने कोई शिकायत नहीं है, 4 साल पहले इनकी लव मैरिज हुई थी। भाई 2 बच्चे हैं, 1 लड़का और 1 लड़की। फिलहाल क्यों परेशान हो रहा परिवार और किस तरीके का मामला है, तो पवन है जो भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, पत्नी तो बोल दे कि भाई पति मेरे साथ में राजी है, वो कुछ प्रकार की कोई परेशान नहीं करता, लेकिन बात कुछ और ही निकलती है। पवन साथ में मौजूद है और सरिता भी। पवन भाई सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम भाई। अच्छा पवन भाई, पूरा मामला भी पता है, दर्शकों ने भी पता है, तो क्यों परेशान है आपकी माँ की वजह से, जो इनकी सासू है आपकी माता जी है, क्यों परेशान है मतलब पूरा परिवार, जो भी सच है वो बताना है। बात नहीं हुआ पहले का तो इन पहले ही वो करना था मेरे तय जी। ये जब 4 साल हो लिए, 2 बालक हो लिए, तो मैं भी इन्हें कड़े काट दूंगा। मैं तो कौन काट दा इन्हें। हम जब देख अगले रेत देनी सेत देनी कुछ कन दे नहीं, लेना नहीं देना नहीं आना नहीं जाना नहीं है, और तो फिर भी इसके गिल्ला रोला करने की क्या जरूरत थी। अरे फिर भी हमने तो कह सुन कहने को करे इनको करे वो राजीनामा कर लिया था, लेकिन उस तक अगले दिन उन्हें मेरी मम्मी ने उनके दूसरे के सकाई बकाई में गोली खा ली थी कि इनका नाम आ जाए। हाँ तो इसके इस बढ़िया हमने आई जहाँ तो वीडियो कटवाई हक भाई जब कल ने इसके कि मैं वो रोन लग गया नहीं तो भाई माम जुम्मेवार नहीं हाँ। यानी कि भाई देख लो खुद एक मजबूर होकर एक बेटर ने बात कहनी पड़ रही है, हालांकि दूसरे पक्ष से भी जो बातचीत तो वो होगी, वो वीडियो भी आपके सामने आएगी कि भाई देखो ये कह रहे हैं कि भाई हम अलग रहने लग रहे हैं, 2 बच्चे इनके मियाँ बीवी हैं, इकट्ठा रहने लग रहे हैं, किसी भी तरीके कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 4 साल पहले जब इनकी लव मैरिज हुई थी तब परिवार के सदस्य ने विरोध नहीं किया, तो अब ये किस प्रकार का जो विरोध है वो किया जा रहा है इसकी माँ के द्वारा, इनकी जो सासू उसके द्वारा, जो इनकी ननद है उनके द्वारा। एक ननद इनके समर्थन में, एक बहन है जो आपकी हाँ। वो आपके साथ में खड़ी है हाँ, वो आपके मतलब कह रही भाई आपकी सपोर्ट में है हाँ, वो बिल्कुल। क्या नाम उसका गुड़िया का? सुमन। अच्छा वो मेरी वो है। तो दोनों जो बहन है वो क्यों विरोध कर रही है? वह तो है नहीं, वह तो पहले भी 9 साल में आई थी, 9 साल से आना जाना बंद हो रहा था उसका, वो तो पहले से 9 साल में आई थी, और वे तो आई भी सीधी मन ने बुलाई थी। अरे ये भी उसका मैं जाऊँ ये तो कोई सजांदा भी नहीं, ना उसका दूरा फोन कर देना, बाकी वह करे कुछ काम हो या कि आना जाना हो मरगत मरगत में, तो मैं जाऊँ ये नहीं जानती कोई साधे। अच्छा 4 साल तक न्यारे कब हुए आप, अलग कब हुए आपके भाई से? मैरिड हुई थी ना हाँ। उसके 6 महीने बाद हम न्यारे कर दिए थे ना, मेरी बड्डी ननद आई थी तो उसने मतलब देखा था भैया तने जीण नहीं देवेगी मेरी माँ, तो तू अपना अलग रह ले नहीं केरा के कर देगी या। तो जब भी हम उसके कहने था न्यारे हो गए थे तो फिर भी नहीं टिकन दिए। फिर तो 4 साल पहले लव मैरिज हुई थी आपकी, तो मुलाकात कैसे हुई थी गुआंड की गुआंड में, जैसे शादी है कई साथ कमेंट भी आएंगे इनकी जो लव मैरिज हुई है वो कैसे है? आप दोनों का संपर्क कैसे हुआ था उस टाइम पर? मैं यहाँ स्कूल में आती थी, मैंने +1+2 यहाँ आता की थी, तो उसके बाद इसकी सिस्टर भी राजी थी, तो यहीं से इसकी सिस्टर के भी फोन जाते थे तू घर पे आ जा, घर पे आती थी तो सब तरह का मतलब जो भी होता सब करवाते थे, मैं उनकी राजी में होया करता। लेकिन मैरिड होने लगी उसके बाद भी कही हम अपने
अपनी माँ आप समझा लेंगे तू आ जा, लेकिन इसकी माँ तभी मैंने बातचीत करी, उसके बाद मैं घर तक चल ली थी। और उसके बाद फिर 2.5 लाख का मैटर उठा, भाई जमा राजी रही साल छह महीने जमा राजी तो रही मेरे गला, फिर इस न जमा न्यू होगी नहीं मिलते नहीं, सबने ये बोल दी थी भाई बी सी मैं मिलते नहीं है जो मतलब नीचे कास्ट के होते ना इसी माँ में उन्ना पैसे मिला। उसके बाद फिर भाई इसने मैंने मंडी में भी लेगा इंडिया बोला कितने काम कर काम कर, लेकिन भाई मैंने काम नहीं मिला तो मैं जबरदस्ती किसका पढ़ूंगी और किस तक कितना मैं कमा कर लाऊंगी, लेकिन मैंने काम नहीं मिला फिर भी कोई दिक्कत नहीं मैं अपने रहने लगी, मैंने इस तक ही मैं खानी नूर मेरे गला नूर हुआ है, फिर भी मारपीट करी है मेरे गला इसकी माँ ने भी, मतलब आपस में भी हम दोनों चिपटम चिपटा हुई हैं, उसने मेरा मैरे है तो मैं ले कुछ भाई मेरा भी वो है मैंने नहीं गंदी भाई मैंने कसर कर ली होगी, उसने मेरा मैरे हैं तो भाई मन ने भी ला ले कुछ, तो उसने दो मारे हैं तो एक तो मेरे पे भी लग गया होगा, देख लड़ाई में कोई कसर नहीं गलता भाई मैंने कह दू मैं साफ हूँ। तो उसके बाद फिर मेरी बड्डी ननद आई तो उन्हें मामने आ रही कर गई थी बेचारी, तो उसके अंदर मामना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे घर में सिर्फ एक चाकी के सिवा कुछ नहीं रहा था, हमने सारा सौदा अपने आप जोड़ा है, लेकिन ये घर घर मिला था, लेकिन ये फिलहाल मौके पर ये नुकमा है घर भी खाली करो, तो भाई मैं ये दो बच्चियां ने लेकर कि जाऊं लिकड़ का, या तो मेरी कोई सरकार सपोर्ट करे या फिर याड़े मैंने जंगा दुआ है इन पे अग भाई क्यों शादी के लिए आप दोनों जब एक जब शादी की 4 साल पहले लव मैरिज की भाई आप अलग जाति से थे ये अलग जाति से थे, तो आपके दिमाग में ऐसी नहीं बात आई थी नेगेटिव भाई आने वाले समय में इस प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा ऐसी कोई सोच नहीं भाई उस टाइम पे कोई मतलब कोई नहीं कहता था ये बात क्या कर दे है कोई नहीं दुनिया करने लग रही तू न्यारी करेगी भले मेरे बेटे का अगर बस जाएगा और मेरा बहू आ जाएगी। परिवार वाले राजी थे जो आपका पियर है वो राजी नहीं थे उस टाइम पे मैरिज की थी आप दोनों ने, लेकिन मेरी मम्मी आई थी पंचायत लेकर, लेकिन फिर इसकी माँ ने बोल दिया था तने जाना नहीं है। अच्छा। नहीं मारी भी बेइज्जती होगी भैया गिर बैजगी, लेकिन मैंने अपनी मम्मी के उस टाइम में मैं अपने घर के जमा खिलाफ थी सख्त, मखा मैंने रहना तो आड़ा रहना, मेरी मम्मी ने बोला भी था भाई तेरी दूसरी शादी कर देंगे, लेकिन मैंने मेरी मम्मी ने बोल दिया था मैंने रहना है तो इसके साथ रहना नहीं किसी के साथ नहीं रहना। तो यानी कि देख लो भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि विरोध अपने परिवार वालों का भी इसने विरोध कर दिया था कि मैं रहूंगी तो अपने पति के साथ में रहूंगी, और इस टाइम पर जो इसकी सासू माँ है उसने कहा था कि बेटी आप जाना मत नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी समाज में, उस टाइम पर रख लिया, लेकिन अब 4 साल बीतने के बाद इस घर को खाली करवा जा रहा कहा जा रहा है कि भाई आप इस घर को छोड़ करके कहीं और चला जाए, यानी कि भाई अब कहाँ पर ये जाएंगे, इनका हक तो यहाँ पर भी है भाई, जब एक घर ये है दूसरा फिर घर है जो इनके जो भाई है वो इसके हिस्से में है, लेकिन भाई परेशान इनको जो किया जा रहा जो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं शादी के लिए, आपने इनको कहा था या इन्होंने आपको कहा जिस टाइम पर आपकी शादी हुई थी? मैंने इस तक कहा था। अच्छा हाँ शादी करने के लिए हाँ। ये तो नहीं कि इन्होंने कोई आपको फोर्स किया हो कि भाई आप मेरे साथ शादी करो, मतलब किसी प्रकार कोई विवाद चला? ऐसा कोई दबाव नहीं था, ना इस पे था ना मेरे पे था, कोई दबाव नहीं था हमारे पे, इसने मेरे तो फोर्स कराया कि भाई तू मेरे तक जबरदस्ती शादी करना, कोई दबाव था नहीं किया भाई बिल्कुल, मतलब हमारी दोनों आगे राजी थी और साथ में इसकी फैमिली की राजी थी, जब सारे काम हुए थे 5 साल हमारा रिलेशनशिप चल रहा है सारे ढाल का, मतलब 5 साल तक रिलेशनशिप में रही थी हाँ भाई, उसके बाद 6 साल में हमने मैरिड करी है, आज मेरी मैरिड ने 4 साल हो गए, जो नवम्बर आओगे उसमें 4 साल पूरे होगा, 5वीं लग जाएगी। तो देख लो भाई जो असल जो परेशानी है तो भाई और की परेशानी है भाई, जो आपकी जो माताजी है या जो आपकी बहनें हैं क्या मामला फिलहाल? बस यह वह है जो कर मैं ले मैं नू कहूँ है अगर घर तक लिकड़ जाए घर तक लिकड़ जाए, देख मैं तो कटदा नहीं अब तो नू को है जाने की जरूरत ही नहीं। जो जितना जो पवन भाई मेरी सुनो कि ये आपके लिए कड़वा सवाल है, कई बार नू भी हो जाए भाई क्या पता आपने उनको कह रखा हो सासू को और ननद को भी आप परेशान कर दो मैं उसको ये दिखाया जाऊंगा कि मैं आपके साथ में हूँ, ये तो नहीं हो ये तो नहीं नीचे नीचे कभी आप उनके साथ मिल रहे हो? जिस दिन से हमने लव मैरिज करी थी नहीं हाँ। मैं सिर्फ अपनी एक बड्डी बेबे के जाता हूँ हाँ। बाकी और मैं ना तो मेरी माँ दूर जाया करता और ना मैं उन दोया का जाया करता। अच्छा मैं मतलब मेरी फैमिली वाले भी देखा तो यही कहूँ मैंने इसकी तरफ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरा कुछ हो भी जावा तो कल मतलब इसका अंत कोई भी वो नहीं है, मैंने कदे कल मेरी फैमिली वाले ने कहा भाई वो ले गया था उस पर केस करेंगे हम, तो इसका कोई मैटर नहीं है मेरे गला यू जमा कति राजी खुशियां, मैं ना मेरे पे फिलहाल कोई दबाव दिया जा रहा है इतना नू बोलना है नो बोलना है, मैं अपनी समझ में जो आ रहा है वो बोल रही हूँ, इसका अंदर मतलब कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है नहीं। चलो भाई ऐसा आपके जो माँ है या बहन है उनकी तरफ से क्या समस्या आ रही है? बस उनकी तरफ से तो ये वो लग रहे हैं आप लग रहे हो फिर कैसे परेशान कर रहे हो वो?
बस इनू परेशान करे जे है, कदे कि मैं रोलिया में कदे कि मैं क्या ही करोला, कदे क्या ही करोला। फिर मखा क्या ने चाचा मैं मैं रोला पत्नी के साथ मारपीट भी करवाई उन्होंने। हाँ करवाई है। अच्छा। हाँ करवाई है। मन ने इसके गल में तो फांसी का फंदा काट्या था। वो ही देने लग रहे थे हम खुद खाई थी ना, मेरी माँ थी और एक वो था इसका पप्पू चैल का लड़का, एक उसकी बहू थी, वे तीन थे या इकली थी। गाल में तो घसीट के ले गई अंदर, असली होंगे तो फिर क्या तुम मेरे गिल टकराव होंगे, मैं तो फिर अपना भाई हो रे डाल का काम करा करा अपना। फिर एक जब एक बका लिया दो बका लिया, जब नहीं है मानेंगे तो आदमी सर तक ऊपर पानी जाना होगा, क्या करेगा कि मैं तो करेगा हाथ पाँ तो मारेगा तरह तो होगा। चल पवनी ये तो नहीं है भाई इस पूरे मामले में, क्योंकि दूसरे पक्ष जो जो दूसरा पक्ष है आपकी माँ है जो आपकी सासू माँ है उनसे भी हम बातचीत करेंगे भाई, तब भी बात कुछ नहीं निकल करके आएगी। मान ली ये तो नहीं भाई कहीं कोई कोई झूठ की बुनियाद कोई झूठ का षड्यंत्र रचा जा रहा हो। नहीं कुछ नहीं जी, आप तो दिहाड़ी करा हाँ और खावा हाँ ना, तक मैनू आकापा ने लेना हो देना हो है, आपा नहीं लिया दिया कर देना, आपा उनके लिया इतने हो रख दे। वीडियो भी जहाँ तक मन में आपका ये तो नहीं पछताता आप भी, आपने चार साल पहले शादी की थी, लव मैरिज नहीं करनी थी? नहीं नहीं यार कोई वो नहीं, आपा ने तो कोई वो नहीं है जी। जी भाई कोई पश्चाताप नहीं जमा कती राजी खुशी हाँ, इसका अंत मैंने 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, है तो सिर्फ मेरी दो नणदा का अंतर मेरी सासू का अंतर है, और या फिर जो वे मतलब बैर के बंदे हैं जो वे मेरे वेला मारपीट करे हैं, और फिर मैं दरखास्त भी देने जाऊँ हूँ तो मतलब फिर भी मैंने धमकी देवा है कि भाई इनू कर देंगे इनू कर देंगे, मैंने उनता प्रॉब्लम है और किसी का मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, गाँव में नहीं गुआंढ में नहीं किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार के, ना मैंने कोई कुछ कंधा हाँ गाँव के मेरे सपोर्ट में भी हैं कुछ, तो कुछ खिलाफ भी है जो मेरे तक कटन वाले हैं कुछ मेरे सपोर्ट में है जो मैं जो जिन्हें भी इनू पता है कि भी या के हर के नहीं है, मैं अगर तो अपने भाई बाहर नहीं जाती किसी का जानती नहीं आंदी नहीं, अपने घर में रहूं अगर कोई काम है तो बाहर लिगड़ गई नहीं तो कोई मतलब नहीं मेरा बाहर जान का। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया नहीं कि भाई जो सरिता है इनके पति भी साथ में दे पवन, लेकिन सरिता का साफ तौर पर कहना है कि भाई मेरे पति से मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है कोई शिकायत नहीं है, भाई चार साल पहले जो इनका प्यार जो प्रेम था वो आज बीजों का त्यों है शिकायत है, तो इनकी सासू माँ से जो इनको परेशान करने लग रही, इनका जो आरोप है जो कहना बार बार है कि ननंद है दो ननंद है और जो इनकी सासू उनके द्वारा बार बार इनको परेशान किया जा रहा, हालांकि दिखा दे भाई एक बार ये घर है ये मकान इनका ये अलग से रहने लग रहे हैं, लेकिन बावजूद भी इसके क्यों परेशान किया जा रहा है ये आपके सामने जो इनके इनकी जो बातचीत इनकी जो समस्या है वो आपके सामने है। तो फिलहाल जो दूसरा पक्ष है उनसे भी हम बातचीत करेंगे भाई, इस पूरे मामला का जो दूध का दूध जो पानी का पानी है वो आपके सामने लेकर के आने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने भी अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए, ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा अशोक गंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।